सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिंग करियर। सो आज हम सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ने वाले। सो ये एक शॉर्टिंग टेक्निक है और लेट से हमें 72943 हमें दिया है और हमें इन्हें शॉर्ट करना है, यानी हमें इसे 23479 ऐसे कन्वर्ट करना है। तो सो सिलेक्शन शॉर्ट की टेक्निक क्या है ये सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तो हमें 72 को कंपेयर करना पड़ता है, जो भी छोटा होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर डबल से हम ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। हमने ये एक बार लूप चलाया, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टार्ट 7 से किया है एंड देन 7 को कंपेयर ऑल ऑफ दिस से किया है। सो जो भी छोटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगी, 72 को कंपेयर करेंगे तो 27943 आ जाएंगे, ठीक है। फिर डबल से 2 और 9 को कंपेयर करेंगे, 2 और 4 को कंपेयर, 2 और 3 को कंपेयर। कोई भी इसमें से छोटा नहीं था तो 2 की जगह फिक्स हो गई, ठीक है। तो फिर डबल से भी 7 के लिए करेंगे हम 7943, तो 7 के लिए कंपेयर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी आप समझ में होंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए 72943 हमें दिया है, तो हम इसे आई ले लेंगे। यानी इतना तो पता ही है हमें कि हम दो फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम दो फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, तो ये जो आई के लिए है, सबसे पहले तो आई अपना यहाँ पे रहेगा, आई यहाँ पे रहेगा, फिर आई यहाँ पे, फिर आई यहाँ पे, और लास्ट तक के लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कंपेयर उसको आगे वाले के साथ तो करेंगे ही ना। फॉर एग्जांपल हम 7 तक के पहुँच गए तो फिर कंपेयर 9 के साथ करेंगे, लेकिन 9 तक के आए पहुँच गए तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, यानी ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा। तो अगर एरे की लेंथ 5 है, तो हम जो आउटर लूप है उसको 4 बार घुमाएंगे, आउटर लूप है उसको 4 टाइम्स लेंगे, यानी आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जाएंगी। यानी एंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन, मैंने क्या बोला है, 4 टाइम्स रन होंगी। सपोज एरे की लेंथ 5 है, ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक कि आई लेस देन आई डॉट लेंथ -1, ठीक है, क्योंकि आई डॉट लेंथ कितनी है 5, 5 -1 4, एंड 4 से अपने को 4 टाइम्स रन कराना है, 0 1 2 3, यानी लेस देन 4 आने को, नॉट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आई इज लेस देन आई डॉट लेंथ -1 एंड आई ++, ठीक है। तो ये हमने तो आउटर लूप चला दी, अब इनर लूप कितनी बार रन होंगी ये देखते हैं, इनर लूप कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम जे की वैल्यू तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले, यानी जहाँ पे भी आए रहेगा जे उससे आगे की स्टेप पर रहेंगे, यानी जे की वैल्यू क्या रहेंगे, आई +1 से स्टार्ट होंगी और लेस देन आई डॉट लेंथ तक के रहने वाली। सपोज 7 के लिए है तो जे यहाँ से स्टार्ट होंगे और आई डॉट लेंथ तक के रहेंगे, यानी इंट जे इज इक्वल टू 0 जब तक कि जे, सॉरी, जे हम आई +1 से स्टार्ट करेंगे, int j is equal to i +1 for int j is equal to i +1 and जब तक कि j less than i dot length है j ++। सो सिंपल सा ये हमें ऐसा कोड लिखना है। सो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे लिखेंगे। सो अभी इसका कोड देख लेते हैं। सो लेट से हम क्लास इसका सिलेक्शन नाम का कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बोला है कि सबसे पहले तो अपन एक मेथड लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सपोज़ ABC नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे हमें क्या लेना है, और एक मेन फंक्शन रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन नाम का एक फंक्शन रहेगा, स्ट्रिंग आर्ग्स लेंगे, ठीक है। और हमने इधर इंट ARR इज इक्वल टू सपोज एक वैल्यू दे दी है 72943, और हमने अभी ABC फंक्शन को कॉल किया है जहाँ पे हम सिर्फ ARR आर्ग्यूमेंट दे देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें हम int ARR देने वाले हैं, आर्गूमेंट int ARR दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फॉर लूप लगा देंगे, फॉर int i इज इक्वल टू 0 जब तक कि i लेस देन i डॉट लेंथ एंड i ++, और इसके अंदर एक और फॉर लूप फॉर int j इज इक्वल टू i +1 जब तक कि j लेस देन है i डॉट लेंथ है, तो j ++ करना है। तो हमारा क्या रहेगा, ये आई है सपोज़, तो ये जे हम इधर से इधर तक के रन करने वाले हैं। तो हम क्या चेक करेंगे कि जब भी एर ऑफ आई, इफ़ एर ऑफ आई अगर ग्रेटर देन है एर ऑफ जे से, तो हमें चेंज करना है, हमें स्वैप करना है पोजीशन। तो सीधा एर ऑफ आई एक एर ऑफ जे है, ठीक है, तो हमें स्वैप करना है। तो हम सबसे पहले तो टेम्प में एर ऑफ आई की वैल्यू डाल देंगे और एर ऑफ आई में हम जे की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ये सब
देखो सबसे पहले तो हम एर ऑफ आई की वैल्यू जो भी है उसको हम टेम्प में डाल देंगे, और एर ऑफ जे की वैल्यू है उसको हम एर ऑफ आई में डाल देंगे, एंड एर ऑफ जे में हम टेम्प डाल देंगे। तो वैसे ही करना है, इफ एर ऑफ आई ग्रेटर देन एर ऑफ जे तो इंट टेम्प लेना है, उसके अंदर एर ऑफ आई की वैल्यू डाल देना है, एंड देन एर ऑफ आई में एर ऑफ जे की वैल्यू डालना है, एंड एर ऑफ जे में फिर टेम्प की वैल्यू डालनी है। इतना सिंपल सा कोड है। एंड फिर ये हमारा जो भी एरे है, जो भी हमने एरे लिया है, वो हमने इसके अंदर जो एरे लिया था 72943 लिया था, तो वो ऑलरेडी है ना, वो ये फंक्शन के थ्रू हमने इसको कॉल किया, तो ये फंक्शन के थ्रू जो ये एरे हो जाएगा वो 23479 ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा ये फंक्शन ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मतलब सीधा सी भी अवॉइड है, तो ये कंट्रोल करने वाला है सी भी ए पे रिटर्न। ठीक है, जैसे मैंने ए बी सी फंक्शन को कॉल किया, ये इधर जाएंगे और ये जो भी स्टेप है परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। और अभी अपना एरर जो भी एरे है वो चेंज हो गया है 23496, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए आर आर हम कर देंगे, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ द सॉर्टेड एरे। सो आई थिंक इट्स क्लियर दैट।